प्रधानमंत्री मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के ट्रेड मंत्री और हमारे साथ जुड़े दोनों देशों के सभी मित्रगण, नमस्कार। एक महीने से भी कम समय में आज मैं अपने मित्र स्कॉट के साथ तीसरी बार रूबरू हूं। पिछले हफ्ते हमारे बीच वर्चुअल समिट में बहुत प्रोडक्टिव चर्चा हुई थी। उस समय हमने अपनी टीम्स को इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस असाधारण उपलब्धि के लिए मैं दोनों देशों के ट्रेड मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री मॉरिसन के ट्रेड एनवॉय टोनी एबट का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेजी आई। फ्रेंड्स, इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वॉटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं एक बार फिर दोनों देशों की टीम्स को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडोस एकता के प्रभावी और सफल नेगोशिएशन पर बधाइयां देता हूं। प्रधानमंत्री मॉरिसन को आज के आयोजन में शामिल होने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चुनावों के सफल आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को भी कल खेले जाने वाले विश्व कप फाइनल के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।